आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। 14 फरवरी के बाद से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलवामा आतंक हमले का एक पल पल का अपडेट हमने आपको दिया था और उसके बाद से आज एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारतीय वायुसेना ने जोरदार कार्रवाई करते हुए पीओके के अंदर घुसकर विस्फोटक गिराए और उसके बाद 200 से 300 लगभग आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। इस खबर पर हम जानकारी के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी जय के पास। बिल्कुल शिप्रा, जिस तरह की बातें सामने आ रही है, भारत ने एक बार अपना बदला ले लिया है। पुलवामा में अटैक के बाद पूरा भारत उबल रहा था, ये दरख्वास्त की जा रही थी हर आम नागरिक की ओर से कि प्रधानमंत्री आखिर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। पूरा देश इस बात पर टकटकी निगाहें लगाए हुए खड़ा था कि आखिरकार भारत क्या करता है। तो आज वो दिन है, आज वो घड़ी है जब भारत ने अपना बदला ले लिया है। आपको खबर ये है, आपको बता दें कि 3:30 बजे भोर में ये कार्रवाई शुरू हुई। वायुसेना ने अपनी कार्रवाई शुरू की जिसमें जैश के कई ठिकानों पर बमबारी की गई और इतनी बमबारी की गई कि 200 से 300 आतंकियों के फिलहाल मारे जाने की खबर है। इतना ही नहीं, कई टैंक को ध्वस्त किया गया, कई टैंकर को ध्वस्त किया गया और साथ ही साथ 12 से 14 दिन बाद पुलवामा अटैक के घटना के बाद आज एक बार फिर से भारतीय वायुसेना हरकत में आई है और जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की एक बैठक भी बुलाई है जिसमें ये वार्तालाप की जाएगी कि आगे की रणनीति क्या होगी, आगे क्या तय किया जाएगा, ये हमला बदस्तूर जारी रखा जाएगा या फिर अभी विराम दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर घुसकर जिस तरह की कार्रवाई को भारत ने अंजाम दिया है ये काबिले तारीफ है। हालांकि फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी नरेंद्र मोदी के लिए ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर तरफ से शिकायतें आने लगी थी, जनता उबल रही थी, जनता का खून उबल रहा था और कहा यह जा रहा था कि अगर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं तो हो रहो लोकसभा चुनाव में उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है। तो ये चुनाव की बातें अलग कर देते हैं, तो अगर देशभक्ति के स्तर पर आकर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पीओके के कई इलाके में घुसकर जैश के कई ठिकानों पर बमबारी की है, साथ ही साथ कई टैंकर ध्वस्त किए हैं, 200 से 300 आतंकियों को मार गिराया है। जी, पुलवामा आतंक हमले के बाद से ही देश उबल रहा था, सब बदला चाह रहे थे और ये भारतीय वायुसेना की ये बड़ी कार्रवाई, जैश के कई ठिकानों पर बमबारी की गई जिसके बाद से 200 से ज्यादा आतंकियों के ढेर होने की खबर मिल रही है। इस हम मंजरी मैम से जा रहे हैं। मैम, आप ये पीओके, ये जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की है और एक भारत ने कहीं ना कहीं बदला ले लिया है। कार्रवाई के अलावा भी मैं पाकिस्तानी मीडिया में खबर पर नजर रख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया, वहां के सेना विशेषज्ञ क्या सोचते हैं। पुलवामा अटैक के बाद ही पाकिस्तान में खलबली मच गई थी क्योंकि भारत सीधे तौर पर उन लोगों को जिम्मेदार बता रहा था और आरोप भी लगाया कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित जैश ए मोहम्मद जिसके साथ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन पाकिस्तान लगातार बोलता है कि भाई सबूत दो, मानने से इंकार कर रहा था। लेकिन जिस तरह से मोदी ने धमकी दी और मोदी ने खुली छूट दे दी सेना को कि सेना कब क्या करेगी, सेना तय करेगी, उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक तबके की बात कर ले या वहां की आवाम की बात कर ले या फिर हम वहां के मीडिया की बात कर ले, हर जगह खलबली मची थी। हम कल ही पाकिस्तान की एक न्यूज देख रहे थे जहां डिबेट चल रही थी, वहां तमाम सेना विशेषज्ञ बैठे हुए थे, मीडिया सलाहकार बैठे हुए थे, वो ये कह रहे थे कि मोदी की धमकी को गिदड़ धमकी ना समझा जाए क्योंकि मोदी अगर बोल रहे हैं कि अटैक करेंगे तो होगा, लेकिन पाकिस्तानी सेना इसके लिए क्या तैयार है। हालांकि पाकिस्तानी सेना भी ये सोच रही थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान मोदी ने कार्रवाई कर दी और यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना भी इसके लिए जिम्मेदार इमरान खान को बता रही है। वहां के पाकिस्तानी आवाम ये कह रही है, पाकिस्तानी सेना ये कह रही है कि जिस तरह से इमरान खान ने रिएक्ट किया पुलवामा हमले के बाद, वो एक माफीनामा था। वो पाकिस्तानी, कल ही पीएम ने कहा था इमरान खान ने कि हमें एक और मौका मिलनी चाहिए भारत से बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी मीडिया कहना कि जिस तरह से उनका कहना है वो एक माफी दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जो भारत गए थे उन्होंने हमें दोषी बता दिया था, यानी कि वहां की जनता और वहां की मीडिया, वहां की सेना भी इमरान खान को दोषी बता रही है और वो मान रही थी कि मोदी अगर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं तो ये कार्रवाई जरूर होगी। जी शिप्रा जी, तो आपको फिर से बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पुलवामा हमले का बदला हमने ले लिया है और भारतीय वायुसेना ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। राज, एज अ नागरिक भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए और एक खुशी का भी दिन है हमारे लिए क्योंकि जो जवान हमारे शहीद हुए थे उसके बाद से कहीं ना कहीं हम सब बदला चाह रहे थे और ये कार्रवाई हुई है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल बड़ी खबर है और पिछले 12 दिन की
14 तारीख के बाद जब से हमला हुआ है तब से लेकर आज तक पूरा देश यही सवाल कर रहा था कि कब हम पाकिस्तान से बदला लेंगे और जो हमारे 40 से ज़्यादा जवानों की शहादत हुई है उसका बदला कब लिया जाएगा। हालांकि सुरक्षा बलों ने कई बार जो है जब कार्रवाई की थी पूरे इलाके में, वहाँ पे हमने आतंकियों के कमांडर को मारा था, उसका बदला भी लिया था, लेकिन आज जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, हम घर में घुसकर मार के आए हैं और वहाँ पे हमने, हमारी इंडियन एयरफोर्स ने ये बता दिया है कि भारतीय सेना किसी से कम नहीं है। लगातार जो हम दावा कर रहे थे कि हम बड़ा करेंगे, तो भारतीय सरकार का ये जो दावा था कि मोदी सरकार बड़ा करने वाली है और बड़ा कर दिखाया है। खबर भी आई थी डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने कहा था कि मोदी इज थिंकिंग बिग, कुछ बड़ा सोच रहे हैं, तो ये बड़ा कार्रवाई, बिल्कुल ये बड़ी कार्रवाई है। मोदी बड़ा जो दावा कर रही थी सरकार की हम बड़ी कार्रवाई करेंगे और करारा जवाब मिलेगा और प्रहार किया जाएगा, बिल्कुल एकदम से 200 से 300 आतंकी एक ही अटैक में मार गिराए गए हैं। हमने घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और बम गिराए हैं लगभग 8 मिनट तक, जब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। साथ ही साथ पाकिस्तान ने पहली बार ये कबूला है कि हमने हमला किया है उनके ऊपर। पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट आया है, उन्होंने लिखा है कि भारत ने सीज फायर का उल्लंघन किया, हमारे सीमा में घुसे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पहली बार ये मान रहा है कि पिछली बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पाकिस्तान उसको नकार रहा था लगातार, जबकि हम घर में घुस के पिछली बार भी मार किया थे और मल्टीपल सर्जरी की जरूरत है जिस तरह से आतंक को पनाह देती आया है पाकिस्तान लगातार। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ी कार्रवाई है, आज की सबसे बड़ी खबर, और पिछले 12-13 दिनों की जब से पुलवामा में जवानों की शहादत हुई है तब से लेकर आज तक की सबसे बड़ी खबर यही है कि हमने बदला ले लिया है और हमने आतंक को जवाब दे दिया है और आगे भी आतंक के खिलाफ जब भारत जब भी आतंक से मुकाबला करेगा, डट के करेगा, बिल्कुल करेगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि BSF ने जो बॉर्डर्स है हमारे उन पे इस हमले के बाद स्ट्राइक जैसे ही की है, साथ ही साथ चौकस व्यवस्था कर दी गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत के एक्शन से पहले डरा हुआ था मसूद अजहर, ये भी खबर आई है कि इस हमले की आशंका पहले ही जैश के आकाओं को मिल गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना जो आतंकी है मसूद अजहर, जो जैश मोहम्मद का सरगना है, उसने अपना आतंकी ठिकाना बदल लिया था। और जैश मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर जो है उसका भाई पंजाब के बड़े ठिकाने से वो भी कहीं गायब है, और सूत्र के अनुसार मौलाना मसूद अजहर भी खुद भवालपुर के जैश कैंप से कहीं और चला गया था जिस पर हमने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं भारत को ये आशंका थी कि जैश, क्योंकि ठिकाने हमारे जो थे वो पहले से हमने आइडेंटिफाई कर लिए थे, हमारी सेना ने पहले भी ये कहा था कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है और पाकिस्तान के सरपरस्ती में ही ये, इसके हमने सबूत भी दिए हैं और कई मौक़ों पर आपने देखा है कि पाकिस्तान के मिलिटेंट्स, पाकिस्तान की जो फौज है और उनकी जो पुलिस है उसके संरक्षण में मसूद अजहर कई बार पाकिस्तान में रैलियां करता है और साथ ही साथ भारत के खिलाफ बयान देता है और मोदी को देख लेने की चुनौती देता है। तो कई बार जो पाकिस्तान, जैसे जिस तरीके से इमरान खान प्रधानमंत्री का उनके बयान आया था कि आप सबूत लाइए, हम आपको जवाब देंगे और हम कार्रवाई करेंगे, तो ये सब ढकोसला, गीदड़ भक्की भी दी थी कि हम युद्ध के लिए तैयार है, आप हमको कमजोर न समझे, लेकिन उस गीदड़ भक्की से बात नहीं डरा है और कहीं ना कहीं एक बड़ा कूटनीतिक कदम भी नरेंद्र मोदी सरकार का। और मोदी ने बता दिया है कि बिल्कुल अब भारत बदल गया है, नया इंडिया है, ये सिर्फ आतंक को जवाब देना नहीं जानता है, अपना बचाव भी नहीं करता, बिल्कुल बल्कि घर में घुस के मारता है और घर में घुस के हमने मारा है। और आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पुलवामा हमले के बाद भारत ने बदला ले लिया है। जी, तो बता दें कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है हमने, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिन्होंने हमारे जवान की, हमारे जिंदे जवान को हमले में उड़ाया था। इस हम लवली से जानेंगे, लवली, ये जो पुलवामा आतंक था उसके बाद से ये जो बड़ी कार्रवाई की गई है, कैसा फील हो रहा है आपको? मतलब मेरे चेहरे पे जो एकदम स्माइल आपको दिख रही है उसे देख के आप समझ सकते हैं कि खुशी जो है वो चेहरे से ही झलक जाती है और चेहरे से ही झलक रही है। जब मैं सुबह उठी और जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसा हुआ है और इस तरीके के आतंकियों को जो जवाब हमारे भारत ने दिया है, वो मुझे सुन के तो भाई मतलब एकदम दिल को जो है वो सुकून मिला। चाय की पहली चुस्की के साथ ये खबर मिलना, मतलब समझिए कि जो हमारे जवान जो शहीद हुए थे उनके परिवार को जितना वो दुख से गुजर रहे थे, हमारा भारत जो इन दिनों जो दुख तकलीफ से गुजर रहा था, उसका जो वो करारा जवाब मिला है उसे सुनकर वाकई बड़ा ही सुकून मिला। और हमारे न्यूज रूम में भी काफी हलचल थी सुबह से लेकर अब तक, और यहाँ जो सब है मतलब बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि जो हमारे भारत ने किया है आतंकियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वाकई काबिले तारीफ है। मात्र 12 दिनों में जो है मतलब इस तरह का कारनामा कर दिखाना, मतलब ये आतंकियों के लिए एक जवाब है कि आगे से ऐसी अगर हरकत करोगे तो भाई मुंह के गिरोगे, और अभी भी सुधर जाओ
का वक्त है, अगर ऐसा करते रहोगे तो भाई बचने वाले तो हो नहीं। तो खैर खुशी का माहौल है, मुझे लगता है कि शिप्रा यहाँ जितने भी लोग हैं हमारे चैनल में सब के सब काफी खुश हैं। तो शिप्रा आप बताइए कि आपको मतलब कैसा महसूस हुआ आज? बिल्कुल सच में एक गौरवान्वित दिन है आज हमारे लिए, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि इतने दिनों के बाद जो हमारे अंदर जो आक्रोश था, कहीं ना कहीं हर एक भारतीय चाह रहा था कि बदला लिया जाए, करारा जवाब दिया जाए। तो ये जो एक्शन मोड में जो हम आए हैं उसके बाद जो हमने ये बदला लिया है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। और हम अपने न्यूज रूम में हमारे साथ और भी सहयोगी हैं, उनसे भी जानेंगे, उनका रिएक्शन जानेंगे कि इस हमले के बाद वो क्या सोच रहे हैं, कितना अच्छा फील कर रहे हैं। मंजुल मंजरी से हम जानेंगे ये हमला जो हुआ है। देखिए अभी ताजा जानकारी दे दूं आपको, हाँ, ये हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के जो लोग हैं अलर्ट मोड पे आ गए। पाकिस्तान सरकार ने तमाम अस्पताल जो है वहां को चिट्ठी लिखी और बोला है कि बेड तैयार रखें। बेड किसको तैयार रखें? 25% बेड सैनिकों के लिए तैयार रखा जाए। यानी कि जिस तरह से हताहत हुए हैं पाकिस्तानी, चूंकि जो जितने लोग 200-300 से आतंकी मारे गए हैं उसमें कुछ सैनिक भी हो सकते हैं, और पाकिस्तान ये भी मांग चल रहा है कि भारत यहाँ रुकेगा नहीं, भारत आगे भी कार्रवाई करेगा। तो पाकिस्तान इसी मुद्दे को लेकर के तमाम अस्पतालों को चिट्ठी लिखी गई है और कहा गया है कि 25% बेड भारतीय माफ करिएगा पाकिस्तानी सैनिकों के लिए तैयार रखा जाए। आपको बता दें कि कल जिस तरह से भारतीय सेना की रूट चेंजेस हो रहे थे उसको लेकर के कल ही एक आपात बैठक बुला गई थी पाकिस्तानी सेना की, जिसमें पाकिस्तानी सरकार के तमाम आला नेता मौजूद थे। उसमें कहा गया था कि बॉर्डर पर, इंडियन बॉर्डर पर गहमा गमी बढ़ गई है, वहां पर सभी सेनाओं को अदला बदली की जा रही है, तो कुछ ना कुछ भारतीय सेना जरूर कर रहा है और कुछ करेगा। तो पाकिस्तानी सेनाओं को कल ही यह अंदेशा हो गया था कि कुछ ना कुछ पक रहा है और कुछ ना कुछ अटैक हो सकता है। तो लेकिन इतनी जल्दी कार्रवाई होगी, पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब पाकिस्तान अलर्ट मोड पर है, तमाम अस्पतालों को चिट्ठी लिख दी गई है कि 25% बेड सैनिकों के लिए रखा जाए। जी तो खबर मेरे पास भी है इससे जुड़ी हुई, तमाम नेताओं के इस पर बधाइयां आने लगे हैं। जैसा कि आपने देखा कि राहुल गांधी ने बधाई दी है इस बात को लेकर के, भारतीय वायुसेना को बधाई दी है, नरेंद्र मोदी तक को बधाई दी है। दूसरी ओर बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव भी अब ट्विटर के जरिए बधाई देने लगे हैं। तेजस्वी यादव ने भी भारतीय वायुसेना को बधाई दी है, साथ ही साथ भारत सरकार को बधाई दी है। इसके बाद यूपी के मंत्रियों की बधाई आने शुरू हुए हैं। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारतीय वायुसेना को लख लख बधाई, भारत के प्रधानमंत्री को बहुत सारी बधाई, क्योंकि एक बार हमने पुलवामा अटैक का बदला ले लिया है। जी जी, तो अब जो ये बड़ा दिन जो हमारे लिए आज है, जो पुलवामा आतंक हमले का जो हमने बदला लिया है, इसके लिए और भी जानकारी लेंगे। हमारे न्यूज रूम में जितने भी सहयोगी हैं हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे कि क्योंकि सच में ये एक बड़ा कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई है हमारे भारतीय सेना की। और उसके बाद से जितने नेता लोग हैं वो लोग भी बधाइयां देनी शुरू कर चुके हैं वायुसेना को। राहुल गांधी ने बधाई दी है। गौतम, ये जो हमने करारा जवाब दिया है आतंकवादियों को और आतंकवादी को जो संरक्षण दे रहे उनको, कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल, आज बहुत गौरव का दिन है, हर्ष का दिन है और उत्साह का दिन है। जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश था पुलवामा मामले को लेकर, तो आज जैसे ही सुबह नींद खुली तमाम देशवासियों को इस बात का जब खबर के जरिए जब पता चला कि हम लोगों ने बहुत बड़ा अटैक किया है, तो ये देश के लिए वाकई गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, जब सुबह में जब हम लोगों ने जब पब्लिक से रिएक्शन लेने के लिए जब पहुँचे, तो उन तमाम लोगों ने इतनी उत्सुकता के साथ खुशी जाहिर की, कहा कि ये तो होना ही था और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इससे बेहतर मौका हो भी नहीं सकता था कि सुबह 3:30 का वक्त हो, पाकिस्तानी सोए हुए हों और ऐसे में लगभग 200 से 300 आतंकियों के ऊपर जिस तरीके से वायुसेना ने बम गिराए हैं, तो ये धमाका होना ही था। और भारत के लिए ये गौरव की बात है कि उसने 30 के बदले 300, बल्कि यूं कहें कि अभी और भी ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन एक बात बहुत साफ थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ट्वीट किया था और कहा था कि हम पुलवामा मामले में शहीदों के मामले में यूं ही व्यर्थ जाने नहीं देंगे, तो ये अलग बात है कि दिन तिथि निर्धारित बताया नहीं जा सकता था। और प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह लगातार ये बात कह रहे थे कि हम समय नहीं बताएंगे, लेकिन सैनिकों को तमाम वो छूट दे दी गई है और यही वजह है कि वायुसेना ने आज वो कर दिखाया है, जिसका न सिर्फ हम और आप बल्कि पूरे देश को इस बात पे गर्व है कि प्रधानमंत्री ने जो कर दिखाया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए, न सिर्फ अपने हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जो तमाम विदेशी मुल्क हैं वो भी चाहते थे कि भारत के इस पहल पर साथ रहे। और उन्होंने लिखित तौर पर भी कहा था इवन कि
जो चाइना है, चाइना ने भी साफ तौर पे इस आतंकियों के मामले में भारत का समर्थन किया था और भारत ने जो कर दिखाया है वो तय था, लेकिन इस तरीके से होगा, इतनी जल्दी होगा और ऐसे वक्त पर होगा जब पाकिस्तान सो रहा होगा, तो जब उसकी भी नींद खुली होगी तो मुझे लगता है कि उसकी पाकिस्तान की नींद उड़ गई होगी और ये नींद तब तक उड़ी रहेगी जब तक कि भारत कार्रवाई करता रहेगा। और हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश था, आपको पता ही होगा सुप्रिया, कि जिस तरीके से कारगिल चौक पर न सिर्फ पूरे पटना के लोग बल्कि पूरे सूबे बिहार के लोगों ने कैंडल मार्च किया, आक्रोश था, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, तो ये वो दिन है, आज वाकई बहुत ऐतिहासिक पल है, ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक दिन है कि भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी इच्छा तमाम भारतवासी और देशवासी कर रहे थे। जी, तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज भारत के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज सुबह 5 बजे भारतीय वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओके के अंदर जाकर जैसे जितने भी आतंकी संगठन के जहां जहां ठिकाने थे वहां पर जाकर के बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद से 200 से 300 लगभग आतंकियों को ढेर करने की खबर हमें मिली है और उसके बाद से पाकिस्तान में हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने सारे अस्पतालों को चिट्ठी लिखकर भेजी है कि 25% बेड जो है वो सैनिकों के लिए और ऐसे लोगों के लिए वो छोड़ दी जाए। और आपको बता दें कि भारत की ये सबसे बड़ी कार्रवाई और इसके बाद से जितने नेता हैं वो भी भारतीय वायुसेना को बधाई दे रहे हैं, पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि सच में आज भारत के लिए ये सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हमने पाकिस्तान को, हमने आतंकवादियों को एक करारा जवाब दिया है। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड।